बोलो परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है और वो मेरे जीवन में भलाई करना चाहता है। हालेलुया। कोई इंसान परमेश्वर को कैसा भी क्यों ना समझे, परमेश्वर भला है, भला था और भला रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर तू भला है, अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग तूने भलाई की। मुझे भली भांति शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैं तेरी आज्ञा पर विश्वास किया है। इससे पहले मैं दुखित हुआ, भटकता था। ये वचन आपको जीवन देगा जो आप सुन रहे हो। कहता है इससे पहले मैं दुखी था और भटकता था। आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यहां आने से पहले दुखी होंगे और भटक रहे होंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी डॉक्टरों के पास, कभी बाबे के पास, कभी चेले के पास, कभी रिश्तेदार ने यहां बोला, यहां चले गए, इसके पास जाना, इसके पास चले गए। कहते मैं दुखित हुआ और मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। हालेलुया। हो सकता है पहले तुम किसी इंसान को परमेश्वर मानते होगे, किसी मूर्त को परमेश्वर मानते होंगे, पर आपका परमेश्वर देखता भी है, सुनता भी है और आपके लिए बोलता भी है। कहता जब तक मैं उस वचन को नहीं जानता था मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? वचन। आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। शब्द ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ वचन के द्वारा बनाया, मुंह के शब्द के द्वारा बनाया। हालेलुया। और जब यही शब्द तेरे जीवन में आता है, तेरे कानों में सुनाई देता है और तेरे अंदर जाता है, तो उसका वचन आपको जीवन देता है, बाइबल बताती है। हालेलुया। तू भला है और तेरा भला, तू भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां सिखा। कहते मुझे अपनी विधियां सिखा परमेश्वर, मुझे अपनी योजना सिखा। तू कैसे दुनिया में काम करता है, कैसे लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उनका मन तो मोटा हो गया, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आप कहने वाले बहुत जल्द कि मुझे जो दुख हुआ, हे परमेश्वर, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। वो भला हुआ कि मेरी लाइफ में दुख हुआ। अगर मेरी लाइफ में दुख ना आता तो आज मैं चर्च में ना होता, आज मैं सच्चे और जीवते परमेश्वर को ना जानता। तुम कुछ ही दिनों बाद अपने मुंह से बोलने वाले हो। ये भविष्यवाणी तेरी लाइफ के लिए। आज से कुछ दिन बाद या आज ही तुम यहां पर आके बोलने वाले हो, खड़े होके सब लोगों के बीच में, कि मैं अपने दुख के लिए धन्यवाद करता हूं, अपनी इस बीमारी के लिए धन्यवाद करता हूं, अपने इस कैंसर के लिए धन्यवाद करता हूं, इस दुष्ट आत्मा के स्ताव के लिए धन्यवाद करता हूं, मेरी लाइफ में इस बड़े पाप के लिए भी धन्यवाद करता हूं, इस नशे के लिए जिससे छुटकारा पाने के लिए, इस व्यभिचार से, इस दुख के लिए धन्यवाद। तुम्हें परमेश्वर को चाहना है, तुझे परमेश्वर को प्यार करना है, तुझे परमेश्वर को थैंक्स करना है। जो संभव है उसे तुझे करना है, जो असंभव है उसे परमेश्वर तेरे लिए करेगा। हालेलुया। संभव जे था तेरे लिए कि तुम चर्च में आ सको, असंभव जो है वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। संभव जे है कि तुम प्रार्थना करो उस परमेश्वर के सामने, असंभव वो है जो तेरे लिए वो उत्तर देगा। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर से ना चाहो, परमेश्वर को चाहो। जिस दिन आपको परमेश्वर से प्यार हो गया, आप परमेश्वर के दीवाने हो गए। जब मैंने यीशु को पहली बार जाना, मैं तो दीवाना ही हो गया परमेश्वर का। रोज बाइबल पढ़, एक पन्ना, दो पन्ने, दस पन्ने, रात को पढ़ के सो रहा हूं, सुबह एक्साइटेड है, अरे उसके बाद क्या होगा, क्या होने वाला है। यीशु ने लंगड़े को चंगा किया, अंधे को चंगा किया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, अगली स्टोरी कौन सी होगी, क्या होगा। मैं परमेश्वर के बारे में जान रहा था और इंटरेस्टेड था परमेश्वर के लिए, प्यार कर रहा था उसके वचन से। हालेलुया। बढ़ता गया कदम बाय कदम, डे बाय डे परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा, वचन को सुनना, भजनों को सुनना, गीतों को सुनना, आराधना करना, धन्यवाद देना, उसके साथ बैठना, प्रार्थना करना, रोजे रखना, उसे खोजना। क्यों? और जिस दिन मैं दीवाना हो गया परमेश्वर का, मेरे हालात चेंज होने शुरू हो गए। मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था 2010 में, और आज परमेश्वर मुझे अपने शोरूम के साथ और एक चंगा करने वाले पास्टर के रूप में चुना हुआ है। मेरे हालात चेंज हुए,
मैं आपको वचन देता हूं, जो दुख आपके जीवन में, जिसके के लिए आप रो रहे हो, कल इसी दुख के लिए तुम यहां खड़े होके गवाही देने वाले हो, थैंक्स करने वाले हो, धन्यवाद परमेश्वर, अगर दुख ना आता तो मैं सच्चे मार्ग को ना जानता, यीशु नासरी को ना जानता, सच्चाई को ना जानता, मैं भटका रहता, मैं वचन को ना जानता, मैं भटका रहता इधर उधर। परमेश्वर याद रखना इस वचन को, चाहे आज तुझे विश्वास हो चाहे ना, ऐसा कैसे हो सकता है मैं इस दुख के लिए थैंक्स करूं। हालेलुया।